मेरे जीवन का एक उद्देश्य था कि मैं हरदम जिस भूमि पे पैदा हुआ बड़ा हुआ वहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ, और मैंने अपना पूरा जीवन उन्हीं के आर्ट कल्चर और साहित्य पे लगा दिए। आज आपको मालूम होना चाहिए मैंने 4 फिल्में प्रोड्यूस की, उसमें बोडो है, आसामीज है, खासी है, और उनमें 3 को नेशनल अवार्ड मिला। तो मेरे को खुशी है कि आज मैंने आसाम, खासी और बोडो लैंग्वेज के लिए कुछ अपना समर्थन दिया और उनके कल्चर को बढ़ाकर पूरे देश में पहुँचे। आज जो मेरे को अपने समाज से जो सम्मान मिला वो मेरे लिए एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि बाहर के लोगों से तो मेरे को बहुत सम्मान मिला और बहुत प्यार मिला, लेकिन आज पहली बार मुझे अपने समाज से जो प्यार और सम्मान मिला उसका जो अनुभव है वो एक निराला है, और मैं इस क्षण को हरदम अपने साथ लेके आज एक अनुष्ठान हुए पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मिलन हुल्लतम अधिवेशन। এই অধিবেশনত আমালোকে গোটেই পূর্বোত্তৰ পৰা 45 মান শাখা প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত আছে। তেখেতে আমাৰ অহা 2 বছৰৰ কাৰণে নতুন অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন কৰিছে। অহা 2 বছৰৰ কাৰণে আমাৰ সমাজৰ যিটো নীতি আছে, যিটো নিয়ম আছে, এইবাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আমালোকে শিক্ষা, ৰাজনীতি, সমাজ সেৱা আদিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্তীয় পুৰস্কাৰো আমি ইয়াত দিছোঁ। আমাৰ মাননীয় শ্ৰী শংকৰলালজী গোৱেনকাক আমি দিছোঁ, বিনীতা চৌধুৰীক আমি দিছোঁ, ৰাজেশ মালপানীক আমি দিছোঁ, এই প্ৰান্তীয় পুৰস্কাৰ আমালোকে ইয়াত দিছোঁ। মাৰৱাৰী সন্মিলনৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত শাখা আছে, আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মাৰৱাৰী সন্মিলনে সমাজ সেৱাৰ কাৰ্য কৰে। মাৰৱাৰী সন্মিলনৰ জন্ম অসমৰ ডিব্ৰুগড়তে হৈছিলে 1935 চনত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইয়াৰ আৰম্ভ হৈ আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিয়পি পৰিছে। भाई जो तुम भाव कम हो गए, भाई जो घुमाई जाओ।